सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई तुम कौन सा माइक यूज़ करते हो, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अपनी वॉइस को एडिट करने के लिए कि तुम्हारी वॉइस व्लॉग्स में इतनी बढ़िया आ जाती है, ना तो कोई बैकग्राउंड नॉइस आती है ज़्यादा। कैसे भाई ऐसा इतना अच्छा कैसे ऐसे कर लेते हो? तो यार सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ऐसी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा ना वॉइस को लेकर के कि भाई आप लोगों को माइक की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं माइक यूज़ नहीं करता, कोई भी माइक यूज़ नहीं करता। देख सकते हैं यार जैकेट वगैरह में कहीं भी माइक नहीं है और हाथ में भी कोई माइक नहीं ले रखा है। फालतू में लोग बोलते हैं कि भाई तुम माइक यूज़ करते हो, झूठ बोलते हो। नहीं यार, कोई भी माइक यूज़ नहीं करता हूँ। इसकी कुछ फ़ोन से ही ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताता हूँ। यार पूरा ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो मैं अपनी दूसरा फ़ोन निकाल लेता हूँ अपना। तो यार जो दूसरा फ़ोन है, जैसे आप इस फ़ोन से अपना व्लॉग शूट कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपके फ़ोन में माइक किधर होता है आपको पहले तो ये देखना है, नीचे होता है कि या फिर ऊपर होता है। इस फ़ोन में जैसा कि ऊपर माइक दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन को जो है ना ऐसे पकड़ूंगा। ये जो माइक है ना, ऊपर माइक है तो माइक के हाथ इस जगह लगाऊंगा, मैं इस जगह पर हाथ लगाऊंगा। इससे होगा कि जो आने वाली एयर होगी ना और बैकग्राउंड नॉइस होगी वो हाथ के जरिए रुक जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इस तरह से जो है अपना आप पकड़ के फ़ोन को व्लॉग को शूट करिए, तो आपका जो होगा क्या, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगी और आपकी वॉइस भी व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने लगेगी। अगर आपका वो नीचे है माइक, तो आपको फ़ोन को दूसरी तरीके से पकड़ना है, दूसरे हाथ से या फिर इस तरह से आपको पकड़ लेना है। तो होगा कि आपका जो इस तरह से आपको पकड़ लेना है, तो होगा कि आपका जो माइक है वो कवर हो जाएगा और आपकी वॉइस उस माइक में अच्छी जाएगी। ये तो हो गई गाइस पहली ट्रिक, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपकी वॉइस में आकर के, तो आपकी जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी निखर के आ जाती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडिटिंग से लेकर के, जैसे कि आप काफ़ी सारी आवाज़ में जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं व्लॉग को शूट करने, और अगर आपको मतलब आपके पास माइक नहीं है तो आप करिए क्या, जो भी चीज़ आप वहाँ पर शूट करना चाहते हो उसको सिंपल सा शूट कर लो, ठीक है। शूट करने के बाद घर पे आओ, काइन मास्टर को ओपन करो। काइन मास्टर में ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपका जो वो पब्लिक वाला है उसका म्यूट, उसको साउंड को पूरा म्यूट कर देना है और आपको वहाँ पर वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर जब आप करेंगे ना तो उसमें बोल दीजिए जो जो आप बताना चाहते थे उसको आप बोल के बता दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यूट्यूब में जा करके एक क्राउड साउंड इफेक्ट, जिसमें क्राउड का साउंड इफेक्ट होता है ना, क्राउड बातें करते हुए, वो साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है और आपको जा करके काइन मास्टर में एज अ बैकग्राउंड सॉन्ग के तौर पर लगा देना है। बैकग्राउंड साउंड के तौर पर लगाओगे ना तो आपका होगा क्या कि आप जैसे ऐसा लगेगा जैसे आप पब्लिक में ही बोल रहे हो वहीं पर। तो यार इस तरह से जो है ना आप अपनी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। मैं इसी तरीके से अभी करता हूँ, ना तो मेरे पास कोई माइक है, हल्की फुल्की एडिटिंग कर देता हूँ उसी से, और बाकी मैं फ़ोन को इसी तरह से पकड़ता हूँ जिस तरह से मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो यार इसी तरह से आप भी करके ट्राई करना, आई होप थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास हल्का फुल्का भी माइक अच्छा है, फ़ोन का माइक अगर अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्लॉग बन करके आएगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।